बेसिकली ये जिनकी फिल्म है, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, प्रीति जी उनकी लड़की हैं, और ये पहला प्रयास है इस तरह का। बड़ी फिल्में तो सभी बनाते हैं, लेकिन वेब पे, नेट पे फिल्म बनाना, रिलीज़ करना एक नया ट्रेंड है। नेटफ्लिक्स ने ट्रेंड शुरू किया, तो उस ट्रेंड में एक पहली फिल्म इस तरह की बनी है, तो निश्चित तौर पे जानना चाहिए, समझना चाहिए, एक बहुत अच्छी मूवी है। और इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बने और वेब के जरिए लोगों को अच्छा मनोरंजन मिले। दैट्स ऑल। सर, उड़ता पंजाब जो पहला निलामी जी का एक इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब जैसी फिल्म है जो सरकार की छवि खराब कर देगी, पंजाब के बारे में सच्चाई बता देगी, तो सरकार की तरफ से प्रेशर आया था कि इसको बैन किया जाए, तो आप कैसे देखते हैं सरकार फिल्मों में इंटरफेयर करती है जो सरकार के बारे में बताती है? सरकार सिर्फ फिल्मों में इंटरफेयर नहीं कर रही है, सरकार आपके हर जाति मामले में इंटरफेयर कर रही है। किसको क्या खाना चाहिए सरकार तय करने लगी है, किसको क्या पहनना चाहिए सरकार तय कर रही है, कौन से फिल्म दिखनी चाहिए सरकार तय कर रही है। और आज जब पहलवान निलानी जी को हटा दिया गया, तब वो सच उगल रहे हैं, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच उगलें, और ये पूरा ओनस जो है अब सरकार के ऊपर आ रहा है, और सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे कोई फिल्म बना रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ सुनाना चाहता है, इन सब चीज़ों पे एक्सप्रेशन पर बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार निहायत राजनीतिक तरीके से काम कर रही है, और हर चीज़, चाहे सिनेमा हो या किताब हो, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को सूट करे इसके हिसाब से वो करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। हिंदू सरकार के बारे में बात की जा रही थी कि कांग्रेस के निलानी जी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो तो निलानी कह रहे कि सरकार की तरफ से प्रेशर आया था। अब तो लोगों का ये कहना है कि हिंदू सरकार तो गई, अब वो झंडू सरकार बनाएंगे। थैंक यू सर।